उत्तरकाशी जनपद के नगरपालिका क्षेत्र बड़कोट में पेयजल संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। नगरवासियों ने मुख्य बाजार चौक पर अनोखे तरीके से मानव श्रृंखला बनाते हुए नारेबाजी की और बर्तन बजाकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान लोगों ने सरकार से पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की है, तो वहीं तहसील परिसर में 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण के लिए धरना 30वें दिन भी जारी रहा। नगर के सभी वार्ड वासी भारी संख्या में समर्थन देने के लिए पहुंचे और नगर वासियों का कहना है कि जब तक पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक इस हड़ताल को वो यूं ही जारी रखेंगे। जी, ये बड़कोट की जो नगर पालिका है ये यमुनोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव है और हर परिवार जो है ये परेशान है कि पानी की बूंद तक जो है लोगों को 3-4 महीने से नहीं मिली है। टैंकर जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो टैंकर जहाँ तक पहुँच रहे हैं वो वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो है लोग बाल्टियों से पानी ढो रहे हैं। बड़े परेशान हैं लोग जो है बीमार हो चुके हैं इस चक्कर से और काफ़ी लंबे समय से जो भीषण जल संकट यहाँ बड़कोट में गहराया हुआ है। तो नगर वासियों ने 6 जून से यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आज जो है खाली बाल्टियों के साथ मानव श्रृंखला बना करके बाकायदा जो है सरकार को जगाने का एक ये प्रदर्शन था और हम सरकार से यही चाहेंगे उत्तराखंड सरकार से कि जल्द ये पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत हो। मेरा नाम अजय रावत। हम 6 जून से लगातार पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हमने मानव श्रृंखला बनाकर खाली बाल्टियां बजा करके सरकार से आग्रह किया है, संदेश पहुंचाने का एक प्रयास किया है कि हमारी पंपिंग पेयजल योजना को जल्द से वित्तीय स्वीकृति मिले। आगे क्या और आगे हमारा कार्यक्रम कल से 6 जुलाई से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और साथ ही कल से महंत श्री केशव गिरी महाराज जी ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है और वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे।